नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसमें जागी, लेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस एवं अन्य सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्य हैं, जिसका प्रांतीय अधिवेशन राजधानी भोपाल के मानस भवन में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में प्रांतीय कार्यकारिणी के गठन के अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के समाप्त किए गए अधिकारों को पुनः प्रारंभ करने के लिए संघर्ष की रूपरेखा पर भी विचार किया जाएगा। समूचे प्रदेश से पूर्व सैनिक इस कार्यक्रम में नाम लेने के लिए एकत्रित हुए। सेवा मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कार्यक्रम अध्यक्षता करते हुए कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं अन्य मंत्रियों से मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में पूर्व सैनिकों को पहले ही तरह आरक्षण न दिए जाने का पुरजोर विरोध करेगी, पूर्व सैनिकों की समस्या का निराकरण करें और उनके अधिकारों की रक्षा करें। देखिए यह है, ये जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस, है ना, वहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि जल्दी रिटायर हो जाते हैं 35-37 साल की एज में, और उसके बाद यहाँ आने के बाद में काफ़ी समस्याएं भी आजकल उन लोगों को आती हैं। उन लोगों का को मिला करके हमने वर्दी बनाया, और वर्दी के हमारे दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहली बात तो कि उनके अधिकारों का कोई हनन ना हो, जो उनको रेस्पेक्ट इससे पहले मिलती रही थी वो सब मिलती रहे, और उनकी समस्याएं जो उनका निदान होता रहे। और दूसरा ये है कि ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, ये जितने लोग हैं अगर चाहें और अगर ये मेन हमारा जो स्ट्रीम है सब लोगों के साथ मिल जाएं, तो ये जो है इसके लिए अपने देश के लिए और अपने मोहल्लों के लिए और अपने शहर के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लगातार आप मांग कर रहे हैं और पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अभी कुछ क्या? देखिए ऐसा है, हम लोग बहुत ही डिसिप्लिन लोग होते हैं, हमारे साथ समस्या पर सबसे बड़ी यही है कि हम लोग पहले, लेकिन हम लोग बहुत फर्म होते हैं, पक्के होते हैं, है ना, हम लोग समय ले सकते हैं लेकिन किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो हमने जैसा आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो है हमारे जितने भी आरक्षण के पद पुलिस भर्ती के अंदर जो समाप्त कर दिए गए हैं उसको हम वापस लेंगे, और वापस के लिए हमने उसी क्रम के अंदर चले। सबसे पहले हमने सारे लेटर्स लिखे प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लेके प्राइम मिनिस्टर, सारे लोगों को अप टू अपना मध्य प्रदेश गृह मंत्री। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद हम लोग अभी मतलब लोगों को आगाह किया, सब लोगों का सपोर्ट मांगा, पब्लिक को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो भी मांगा हमने और करने मतलब हमारे चीज़ों को देखते हुए करना चाहिए उन्हें। उसके बाद हम कोर्ट भी गए और वहाँ पर भी अभी पिटीशन पेंडिंग है। देखिए आश्वासन तो सभी लोग, गृहमंत्री के सारे जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं उन सबसे मिलनी है, और सबने कहा कि इसके लिए वो सीएम से बात करेंगे और जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे। सीएम साहब से मुलाकात? सीएम साहब से हमारे ग्रुप के कुछ लोग मिले थे, उन्होंने पूछा था तो उन्होंने पहले तो ये बताया कि मतलब उन्होंने जो भी था आश्वासन उन्होंने भी दिया। हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन ये हर एक की इंडिविजुअल चॉइस होती है। किसी को एक्स अच्छे लगते हैं, किसी को वाई अच्छे लगते हैं, किसी को जेड अच्छे लगते हैं, उनकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं। तो फौजी भाइयों से मेरा केवल यही निवेदन है कि आप ज़रूर जो पार्टी अपनी चाहते हैं उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको कोई पद मिलता है तो वो पद लीजिए, उसके लिए अगर आपको कन्विंसिंग करना पड़ती है, उनको जाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ज़रूर करिए। और हमें खुशी होगी कि किसी पार्टी के अंदर, अलग अलग पार्टियों के अंदर हमारे लोग रहें, जिससे जो भी हमारी पार्टी सत्ता के अंदर आती है वो हमारी समस्याओं को उनको अच्छी तरह समझा सके। लेकिन जब वर्दी के किसी कार्यक्रम के अंदर अंदर आते हैं तो अपने उसको पार्टी को बाहर रखाएं और इधर आकर के हम लोग सब अपना वर्दी का काम करें, वर्दी से संबंधित काम करें, लोगों के वेलफेयर का काम करें, और बाहर जाकर के वो फिर अपनी पार्टी का बन सकें। आने वाले मध्य प्रदेश में जो विधायक चुनाव है उसमें आप कैंडिडेट उतारेंगे? कैंडिडेट उतारने के लिए कोई पार्टी हमें टिकट देगी हमारे किसी कैंडिडेट को तो हम जरूर उसका सपोर्ट करेंगे। पार्टी से अलग हटके भी हम सपोर्ट कर सकते हैं अगर कि मतलब मान लीजिए वो होता है, अदरवाइज अपनी अपनी पार्टी के अंदर मतलब सारे लोग जो हैं वो अपने पार्टी के लिए काम करें और उसको जीता। ठीक है, आपकी सच्ची बात के लिए भी कम से कम एक साथ बनाना जरूरी है, और ये साथ बनाने का हमने वादा किया है। लास्ट दिन तक उन लोगों को कन्विंस करेंगे जिनको कि दूसरे लोग दूसरे डायरेक्शन के अंदर कन्विंस कर रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहके वो उन सबका और आप सबका और हम सबका पूरे वक्त का जो एक काम हो सकता है उसे खत्म करते हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।